All right. Let us see the last question of the exercise. The question says, check whether seven plus three x is a factor of three x cube plus seven x. Easy question, eh? देखिए सेवन प्लस थ्री एक्स थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का फैक्टर तभी हो पाएगा जब इसका जीरो हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से तो इसका जीरो मिल जाएगा हमको और वो जो वैल्यू आएगी x की जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी फाइनली जीरो होनी चाहिए ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझिएगा अच्छे से नाम दे देते हैं लेट थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स ये हमारे लिए एफ एक्स है और जो सेवन प्लस थ्री एक्स है उसको बोल दीजिए से जी एक्स सेवन प्लस थ्री एक्स ठीक है तो लॉजिक ये कि आपको क्या करना है सेवन प्लस थ्री एक्स का आपको जीरो निकालना उसके लिए क्या करेंगे GX को इक्वेट करेंगे रहे। 7 जाके -7 बनने वाला है और थ्री को आप ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो एक्स की जो वैल्यू आई या ऐसा बोल लीजिए इसका जो जीरो आया वो आपको पुट करना किस में? F है किसमें ठीक है मतलब एफ ऑफ माइनस सेवन बाई थ्री निकालेंगे आप तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर ये जीरो आ जाता है इसका मतलब सेवन प्लस थ्री एक्स इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स प्लस एक्स लेकिन अगर इसको सॉल्व करने से जीरो नहीं आता है तो सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब की जगह माइनस सेवन अपॉइंट थ्री का क्यूब प्लस सेवन इंटू एक्स की जगह माइनस सेवन अपॉइंट थ्री ठीक है इसको अलग ही रखें. चलिए अब ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस सेवन बाई थ्री क्या मिलेगा आपको देखते हैं ये थ्री तो ऐसा छोड़ रहा हूं मैं माइनस सेवन का क्यूब जो होता है वो होता है माइनस में थ्री फोर्टी थ्री एक्चुअली माइनस का क्यूब तो माइनस है सेवन का क्यूब होता है थ्री फोर्टी थ्री अपॉन थ्री का क्यूब जब आप करेंगे वो हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ठीक है प्लस प्लस नहीं क्योंकि देख सकते हैं आप प्लस माइनस माइनस होने वाला ये प्लस माइनस माइनस सेवन सेवन से फोर्टी नाइन अपॉन थ्री विच फर्दर गि ये तो कैंसिल हो रहा है थ्री वन जा तो आपके पास बचेगा ठीक है अब आप अगर मैं नीचे कर देता चलिए अब आपको एलसीएम लेना है ठीक है तो एफ ऑफ माइनस सेवन बाई थ्री क्या आ रहा है एलसीएम आप नाइन का ले लीजिए नाइन का एलसीएम लेंगे तो इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा ये माइनस थ्री फोर्टी थ्री रहेगा क्योंकि नाइन जा नाइन होता है माइनस थ्री थ्री नाइन होता है तो थ्री इंटू वन फोर्टी करेंगे तो रिमाइंडर तो जो, तो जो आ रहा है वो जीरो तो नहीं है और सिंस जीरो नहीं आ रहा है ठीक है एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यू प्लस एक्स ठीक है आप लिख सकते हैं यहां दस एफ ऑफ एक्स जो मैंने नाम दिया था ठीक है एफ ऑफ एक्स इज या उल्टा बोल लीजिए एक्चुअली जी ऑफ एक्स हमको बोलना चाहिए दस जी ऑफ एक्स क्योंकि ये फैक्टर है कि नहीं वो चेक कर करना जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स जी एक्स कौन था आपके पास सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स ठीक है मैं दोबारा जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ आपको चेक करना है कि सेवन प्लस एक्स का फैक्टर है कि नहीं तो लॉजिक ये ये है कि ये पौलिनौमियल, इस लॉजिकॉम का फैक्टर तभी हो पाएगा जब दोनों के जीरो सेम होंगे या फिर ऐसा बोल लीजिए अगर मैं इसका जीरो निकालता हूं तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिलेगी उस एक्स की वैल्यू को जब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं तो फाइनली अगर फाइनली अगर मेरे को जीरो मिल रहा है तो सेवन तो प्लस थ्री एक्स फैक्टर है इसका और अगर मेरे को जीरो नहीं मिल रहा है तो सेवन प्लस थ्री एक्स इसका फैक्टर नहीं है ठीक है ये वर्किंग रूल आप याद रखिएगा बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है कोई खास डिफिकल्ट नहीं है सो बाई दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री दो एक्सरसाइज और इस चैप्टर में टू पॉइंट फोर और टू पॉइंट फाइव ठीक है तो टू पॉइंट फोर देख लेते हैं जल्दी से